नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय बहुत ही अद्भुत और वो है गुरु और सूर्य का संगम, इशारा करता है अति संपन्नता का। ये कैसे होता है आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, इस संयोग में दो ग्रहों का खास महत्व होता है। शुरुआत करते हैं इससे, आपकी अपोलो सूर्य उंगली लंबी हो किससे, इंडेक्स फिंगर से, बलिष्ठ हो इसके नीचे सूर्य पर्वत अपोलो माउंट, यह वेल डेवलप्ड हो और यहाँ पर एक सूर्य रेखा हो। पहले अपोलो माउंट वेल डेवलप्ड, दूसरा कि क्या दिखाता है वेल डेवलप्ड अपोलो, ये दिखाता है कि जातक को सफलता मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, साथ में व्यापार और कला की तरफ रुझान भी होगा, जातक को मान सम्मान ही मिलेगा, यश भी मिलेगा। और ऐसे में आपकी सूर्य रेखा यह पतली हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, गहरी हो, निर्दोष हो, तो सोने पे सुहागा पक्का मिलेगा आपको। तो आपका ये सूर्य पर्वत अच्छा होना चाहिए। अब आइए, ये आपका गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड, अच्छा बार लिए हुए है और यहाँ पर ना कोई अशुभता भी नहीं है। क्या दिखाता है ये? ये दिखाता है आदमी का ज्ञान, चरित्र, कि आदमी आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है और दार्शनिक भी है, उसके पास शैक्षिक ज्ञान भी है और पारिवारिक सुख मिलता है जातक को, साथ में संपन्नता मिलती है, मान प्रतिष्ठा मिलती है और यश भी मिलता है, उच्च पद भी मिलता है। तो गुरु पर्वत आपका सुविकसित और अपोलो भी सुविकसित, ऐसे में अपोलो और गुरु का संगम हो जाए। मान लीजिए कि गुरु से एक रेखा निकले और जाके पहुंच जाए सूर्य क्षेत्र पर, अगर सूर्य रेखा पर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अगर गुरु से निकले कोई रेखा और सूर्य क्षेत्र के अंदर पहुंच जाए अब ये कमाल करेगी। संपन्नता का भंडार जातक को अति संपन्न बनाएगी, साथ में खूब मान प्रतिष्ठा, साथ में खूब यश, परिवार सुख, जातक की जिंदगी में किसी बात का अभाव होगा ही नहीं, जातक लग्जूरियस लाइफ जिएगा, सब सुख सुविधाएं उसके पास होंगी, बस आपका अपोलो आपका गुरु अच्छे हो और दोनों का संगम करने वाली एक रेखा उभरे, गुरु से शनि सूर्य क्षेत्र के अंदर पहुंच जाए, ये कमाल का संयोग। अगर हथेली पर उभरता है जातक को अति संपन्न बनाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।